ठीक है लड़कियों, कल हम 2 घंटे की ट्रेनिंग करेंगे। प्लीज ज्यादा मत खाना क्योंकि कल मैं कूद नहीं पा रही थी वहाँ पर, ठीक है ना? समझ गए तुम लोग? हाँ ठीक है जाइना, हम समझ गए हैं। हे भगवान, लड़कियों ये मेंढकों ने क्या छाप दिया है, उन्हें क्या लगता है कि वो बड़ी हो गई हैं? जाइना, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ प्लीज? चलो, ये जरूर पार्टी की तरह होगा। तुम्हें क्या लगता है वो बड़ी हो गई है क्या? हाँ या ना, उनके खराब आईलाइनर को देखकर इसका मतलब है कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि मेकअप कैसे करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज दिखना होता है। डायना, क्या मैं कल ट्रेनिंग छोड़ सकती हूँ? नहीं नास्त्या, तुम नहीं छोड़ सकती हो। क्यों? प्लीज डायना, मैं सही में नहीं आ सकती हूँ। हाँ, नास्त्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ट्रेनिंग क्यों छोड़नी है बताओ मुझे। हाँ तो बात यह है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मूवी चलने के लिए बोल रहा है। नास्त्या सुनो, मैंने ना कह दिया है कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ेगा, समझ गई ना? हाँ लेकिन वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करके उसे सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज डायना। हेलो दोस्तों, क्या आपने मेरे नए गेम डायना सिटी के बारे में सुना है जिसे हमने खास तौर पर आपके लिए बनाया है? यकीन मानिए इससे दूर रह पाना मुमकिन नहीं होगा। आखिर आप इस गेम में नए आउटफिट जो ट्राई कर सकती हैं, ब्यूटी सलोन जा सकती हैं और नए लड़कों से मिल सकती हैं। इस गेम को अभी डाउनलोड करें और मुझे कंट्रोल करें जैसे मैं असली में हूँ। गेम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायना, उन हाई स्कूल की लड़कियों को तो देखो, क्लास में और बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। वैसे लड़कियों वो इतनी भी छोटी नहीं है, देखो जिस पार्टी में है वो देख सकती हो तुम। हाँ तुम हंस क्यों रही हो? ओ लड़कियों, क्या ये जाहिर सी बात नहीं है कि वो हमें जलाना चाहती है? सुनो, अगर वो हमें परेशान करना भी चाहती है तो वो नहीं कर सकती है क्योंकि वो जो चीजें पोस्ट करती है वो मजाकिया होती है, समझ गई? और मुझे हंसना पसंद है उसकी जोक पर। चलते हैं। चलो गीगी, क्या तुम्हारे पास कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है खाने के लिए? ओ लड़कियों हाय, तुमने ट्रेनिंग क्यों छोड़ दी? हाँ तुम गर्मियों में ट्रेनिंग। लड़कियों मिठाई खाने की जगह ट्रेनिंग करो। लड़कियों उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कब आवेदन दे सकती हूँ? गीगी तुम जरूर मजाक कर रही होगी, ट्रेनिंग बहुत बोरिंग है। मैं अप्लाई करूंगी। लड़कियों चलो 30 मिनट और इंतजार करते हैं, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। रूपा क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या ये तुम्हारा प्यार है बास्केटबॉल प्लेयर्स का प्यार पाने के लिए? हाँ बताओ। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मुझे भी नहीं पता कि वो अपने बनीज को कैसे डेट करते होंगे। हाँ हम हाई स्कूल की लड़कियाँ हैं, खूबसूरत और समझदार भी, और बनीज छोटी लड़कियाँ हैं। बहुत खराब होता है, हम ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे लेकिन ऐसे भी वो यहीं रहते हैं। दोस्तों चलो हम उन्हें बता देते हैं कि हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। हाय लड़कों। सुनो कोपा, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? बताओ मुझे क्यों खड़ी हो? जाओ अपने डायनासोर के साथ मिट्टी में खेलो, बास्केटबॉल फील्ड में घूमने की जगह। लड़कियों क्या तुमने ये सुना? ये डायनासोर नहीं है, ये यूनिकॉर्न है। लड़कियों अपने यूनिकॉर्न उठाओ और जाकर मिट्टी में खेलो, शायद उन्हें ये पता नहीं है कि इसे क्या बोलते हैं, कौर कौर। लड़कियों ये यूनिकॉर्न है तो ये डायना की छोटी बहन है और ये उसी के साथ खेलेगी, समझे ना? लड़कियों चलो, इससे काम नहीं बन पाया। रूड हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। नोपा आगे क्या? वो बस बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता कि प्यार से कैसे बात करते हैं। लड़कों को प्यारी लड़कियां पसंद है। हाँ ओफो, चलो अच्छा हुआ गई। लड़कियों मेरी इस यूनिकॉर्न के लिए 7 वाली तस्वीर को 6 लाइक्स मिले हैं। ओ बहुत सारे, ओ तुमसे तो ज्यादा ही। लड़को अब मैं तुम्हें कुछ भी उधार नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग हमेशा उधार ही लेना चाहते हैं? इस समय हम पैसे देंगे और हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। सुनो, मेरी बेबी का बर्थडे आने वाला है इसलिए मैं एक टेबल बुक करवा रहा हूँ। डीमा ये जो तुम कर रहे हो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, चाहे तुम्हारे लिए हो सकती है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या तुम्हारी बेबी इसी स्कूल की है? हाँ वो है डायना। हाँ डायना इसकी बेबी है। क्या क्या तुम डेट कर रहे हो बास्केटबॉल प्लेयर्स का? क्या आइस, क्या मैंने तुमसे कोई सवाल किया है क्या? मुझे एक बहुत बड़ा केक चाहिए और उसपे उसके ऊपर कैंडल चाहिए, समझे ना तुम? एक रोज और टेडी बियर। ठीक है लड़कों मैं समझ गया, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक मेन्यू बना दूंगा लेकिन मुफ्त में नहीं। ओस्ता ये बताओ इसे समझ में आया नहीं? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इसने कहा तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? मेरे पास पैसे हैं। दोस्तों मैं समझ गया, मैं मोमबत्ती और केक ऑर्डर कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं गुलाब की पंखुड़ी ऑर्डर कर सकता हूँ, वो मैं कहाँ से लाऊंगा बताओ। लड़को हाय, अगर पिज्जा है तो मैं 2 पीस खाऊंगा। ओ क्या हॉट डॉग है, तब तो मैं 2 खाऊंगा, मुझे 2 दे देना। आइस क्या तुम्हारे पास बर्गर्स है? लड़को तुम लोग बैठ जाओ, कुछ चीजें बची हुई है मैं पका कर देता हूँ। वैसे जन्मदिन 11 अक्टूबर को है समझे, याद ना हो तो लिख लेना। हमारा पेट हमारा पेट भर गया। ओ, मुझे बर्गर खरीदने के लिए कुछ पैसे दो ना। बिना पैसों के कैफे आ गए, मैं तुम्हें कुछ भी उधार नहीं दूंगा। दोस्तों चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगा। डायना ठीक है, तुम इसे मेरे बालों में लगाओ। यह ना बस भी करो तुम, लगा दो इसे।
हाँ अलाव लगा देती हूँ, चुप रहो तुम। लड़कियों क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके साथ हम बुढ़े लगेंगे? नहीं तुम इसके साथ बुढ़ी नहीं लगोगी। ठीक है लड़कियों चलो, यहाँ बहुत गंदी बदबू। तुम्हें पता है क्या लड़कियों, असल में हम ज्यादा छोटे नहीं है, हम बस एक साल छोटे हैं उनसे। मेंढक 11th क्लास में है और हम लोग 10th में है, बस इतना फर्क है, समझ गए ना तुम लोग? हाँ हाँ, और वो हमें छोटी लड़कियाँ कह रही है। हम सच में छोटे नहीं है, हम बनीज है, हम चीयरलीडर्स है और हम हाई स्कूल की लड़कियाँ हैं, समझ गए तुम लोग? लड़कियों हम उनसे बड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो 11th क्लास में और हम 10th क्लास में, हमें ये स्वीकार करना होगा, समझ गई? हम छोटे हैं। क्या मैं सहमत नहीं हूँ, तुम 10th क्लास में 11th की तरह दिख सकती हो, पता है मुझे। हाँ तुम्हारा, हम यही करेंगे। हाँ और हम हाई स्कूल की लड़कियों की तरह लगेंगे और वो अपने यूनिकॉर्न के साथ फोटो खिंचवाने में लगी रहेंगी। वो बड़ी दिखना चाहती है लेकिन वो खिलौने के साथ तस्वीर लेती रहती है, पता है मुझे। ठीक है लड़कियों चलो, यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है, हमसे पहले शायद यहाँ मेंढक आए होंगे। देखो छोटी लड़कियाँ आ रही हैं। सुनो मेंढक, तुम सही में हमारा बहुत दिमाग खराब करती हो, तुम हमें छोटी लड़कियाँ क्यों बुलाती हो? एक साल पहले ही तुम 10th क्लास में थी और आज 11th में हो, इसका मतलब तुम बड़ी हो। डायना तुमने अभी खुद ही बोल दिया कि तुम 10th क्लास में हो, इसलिए तुम लोग छोटी हो। एक साल पहले तुम भी 10th क्लास में थी, क्या किसी ने तुम्हें छोटी कहा? क्या तुम इन छोटे बच्चों के खिलौने के साथ बड़ी हुई हो या तुम प्यारी दिखना चाहती हो, बताओ मुझे। हाँ बता, तुम्हें बहुत कुछ करना होगा प्यारी दिखने के लिए। वैसे मेंढक हो, अगर तुमने हमें छोटी बच्ची बुलाना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें बूढ़ी औरत बुलाना शुरू कर देंगे, समझ गई तुम? हाँ तुम खुद ही चुन लो लड़कियों, हम बूढ़े हैं, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं ठीक है छोटी लड़कियों, हमें जाने दो। मैं इनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ डायना, बोलना व्यर्थ है इनके पीछे। याना बोलना व्यर्थ है, डायना उन्हें नहीं निकालेगी। हे हे लड़कियों कैसी हो तुम लोग? क्या हुआ तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? लड़कों स्माइल, मुझे इन हाई स्कूल की लड़कियों पे बहुत गुस्सा आता है, ये मेंढक हमें छोटी लड़कियां बुलाता है। मैक्स निपटो ना उनसे प्लीज। डायना मैं लड़कियों के साथ नहीं निपटूंगा। डायना उन्हें बाहर निकाल दो, बात खत्म, हम भी उनसे बहुत परेशान हो। स्माइल मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा करने से क्या हम अकेले इस स्कूल में पढ़ेंगे, बताओ मुझे। हाँ ये बिल्कुल ही गलत होगा। लड़कियों जब तक तुम अपने बास्केटबॉल प्लेयर्स को गले लगा रही हो तब तक मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेती हूँ। तुम्हें पता है प्रवास कि आज मैंने काउंटिंग किया, उन्होंने हमें 5 बार छोटी लड़कियाँ कह के बुलाया है। स्माइल वो हमें छोटी लड़कियाँ कहती है जबकि खिलौने के साथ वो हमेशा घूमते रहती है, क्या ये ठीक है? मैक्स तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? क्या तुम उन मेंढकों के साथ मेरे लिए निपट सकते हो? दूसरी अच्छी बात है कि हम आखिरी क्लास में, हमें कोई छोटा नहीं कह सकता है, समझे क्या तुम लोग? हाँ ब्रोज, हाई स्कूल स्टूडेंट होना बहुत ही शानदार है, हम बड़े हो गए, शानदार है। क्या तुम मेंढक का साथ दे रहे हो? लड़कियों देखो, तुम्हें लगता है कि वो लोग सच में बड़े हो गए हैं और हम लोग अभी भी छोटे हैं। ठीक है तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, सही है? में चलो। हाँ चलो लड़कियाँ। ये क्या था? लड़कियाँ वो बिना किसी बात के गुस्सा हो गई। ठीक है दोस्तों चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो ठीक है लड़कियों, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी लेकिन पहले डायना को मत बताना, ठीक है? ठीक है गीगी, लेकिन डायना के लॉकर को खराब मत करना, ठीक है? हाँ, वो अंदर आ सकती है और सोचेंगे कि हम कुछ चुरा रहे हैं यहाँ से। लड़कियों शांत रहो। देखो लड़कियों ये कितना अच्छा है, जब मैं डायना के पॉम पॉम अपने हाथ में लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भी टीम की कैप्टन हूँ। देखो 1, 2, 3। गिगी अगर डायना को इन बातों का पता चला तो वो तुम मुसीबत में फंस सकती हो। दूसरे का पॉम पॉम छूना बहुत बुरा है गिगी। तुम्हें पता है क्या लड़कियों, मुझे बुरे काम करना बहुत पसंद है, तुम मेरी कुछ तस्वीर क्यों नहीं ले लेती हो? इसके साथ कितनी अच्छी लग रही हूँ, ये देखो इस तरह ले लो। ये पागल हो गई है मुझे तो लगता है। हाँ क्योंकि हम जानते हैं चिल्ड्रंस को, तुम तो। ओह लड़कियों मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। आइस मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है, सच में मुझे बरिस्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? सच में क्या तुम लाते बनाना सिखा सकते हो? आराम से नास्तिया। लड़कियों तुम्हें पता है क्या, नास्तिया को देखो, मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ कि वो तो खुश है कम से कम। हाँ डायना वो लड़का बहुत अच्छा है, ना कि हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स की तरह। क्योंकि हम अपने बास्केटबॉल प्लेयर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमने उन्हें बहुत ज्यादा भाव दे दिया है। मुझे नहीं पता याना, शायद तुमने ब्रवास्की को बहुत अच्छे से संभाला है लेकिन मैंने तो स्माइल को कभी भी नहीं, और हमारी बहस बहुत होती है सच में। हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं है। ओ आइस
चीयरलीडर्स आ गई है, मैं उनके बारे में भूल ही गई थी। लड़कियों, क्या तुम्हें और लाटे चाहिए? बताओ मुझे। हमने कुछ भी नहीं देखा है। नहीं आई, शुक्रिया, लेकिन हमने काफी लाटे ले लिया है। सुनो आइस, क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी भी छोटे हैं या बड़े हो गए हैं? ये मेंढक सही है, उन्हें लगता है कि हम अभी भी छोटे हैं। वैसे वो नास्ता के बारे में भी ऐसा ही कहता है। लड़कियों, क्या वो पागल है? मुझे बात करने दो उनसे। हम उनसे सच में बहुत परेशान हो गए। ब्रेक में वो हमें छोटी लड़कियाँ कहती रहती है। तुमने देखा ना लड़कियों, वो एक जेंटलमैन है, ना कि मेरे मैक्स की तरह जो लड़कियों के साथ निपटना भी नहीं चाहता। नहीं लड़कियों, हम नास्ता की बॉयफ्रेंड को लड़कियों के झगड़े में नहीं घुसाएंगे। मुझे लगता है कि हम उन्हें ब्रेक में पता चला सकते हैं कि कैसे करना है। कैसे? ठीक है लड़कियों, मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ। वैसे लड़कियों चलो, लेकिन वहाँ पर रोना धोना मत करना। डायना, हम क्या करने वाले हैं? मेंढक को हराएंगे। लड़कियों गुड लक, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाय। लड़कियों क्या हुआ, तुम लोग उदास क्यों हो? मुझे बता सकती हो तुम लोग? क्या तुम्हारी बनी चीयरलीडर्स ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, बताओ मुझे। हाँ लड़को, मुझे लगता है तुम लोगों को खुद के लिए नई चीयरलीडर्स ढूंढ लेनी चाहिए। तुम्हारे आसपास कितनी सारी हैं? सुनो, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और तुम अलग अलग क्लास में हो जाए? मैं परेशान हो गया। तुम हमारा पीछा करती रहती हो क्यों? मैं जल्दी अपने नियम बदल दूंगा और सारी लड़कियों से निपट लूंगा। तुम्हें पता है क्या बास्केटबॉल प्लेयर्स, तुम लोग बहुत ज्यादा रूड हो। हम तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन तुम रूड हो रहे हो। प्रवस्त, प्रवस्त। क्या है? चलो ना डेट करते हैं। सुनो ब्लॉन्डी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। स्माइल स्माइल। जाना, क्या तुम सीरियस हो? हाँ, स्कूल में हील्स पहन रही हो? लड़कियों मैं सीरियस हूँ, मुझे पता है कि हाई हील्स पहनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेंढक को हराने के लिए ये हमें करना पड़ेगा, समझ रही हो ना तुम? हाँ जाना, हम चाहते हैं लेकिन हील्स पहनकर नहीं। चलो इसके अलावा कुछ और करते हैं। लड़कियों इसमें एक फायदा है, हम लंबे लगेंगे काफी ज्यादा। लड़कियों तुमने मुझसे वादा किया था शिकायत नहीं करोगी, इसलिए तुम में से हर कोई एक एक जोड़ी हील्स चुन लो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, हम जीतने वाले हैं। हाँ लड़कियों, हम जीतने वाले हैं। हेलो लड़कियों, बहुत बढ़िया। ओ बॉयज, हील्स को किसने डिजाइन किया है? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है लड़कियों, रोना धोना बंद करो। गाना, क्या सच में तुम्हारे सारे हील स्कूल में? नास्तिया, तुम्हें हर समय सब कुछ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है लड़कियों, याना तुम ऐसे चल सकती हो, इस हॉल में तुम्हें सीधा चलना होगा इस तरीके से। वाओ, तुम बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए हील्स पहन रही हो? लेकिन तुम इस तरह क्यों चल रही हो? हाँ मुझे इसी तरीके के जूते की क्या खरीदने हैं? ये हील्स किसके लिए लिए हैं? डीमा, मुझे लगता है कि शायद उसे पता चल गया है कि वो पार्टी तुम आयोजित कर रहे हो। नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? डीमा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, घूरना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है उसने हील्स क्यों पहने होंगे? मुझे क्या पता, मुझे लगता है अपने बॉयफ्रेंड्स को रिझाने के लिए। ओपो, ठीक है लड़कियों, हमें मॉडल्स की तरह चलना चाहिए। ठीक है लड़कियों, बाय बाय सभी को। बाय बाय लड़कों, हाय। ओके बाय। क्या तुमने हील्स पहने हैं? ओहो देखो तो इन्हें जरा, छोटी लड़कियों ने हील्स पहन लिया। सुनो, हम छोटी लड़कियां नहीं है, हम 10th क्लास में है, समझ गई? तो हम बनी चीयरलीडर्स हैं। अगर तुम हमें ऐसे ही बोलती रहोगी तो ये हील शायद उड़ने भी लगेंगे। क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों हो? बास्केटबॉल प्लेयर्स तुम जा सकते हो, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। हमें पता है, समझी क्या? देखो अगर तुमने डायना को छोटी लड़की कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या लैला को, तुम हमारे साथ निपटोगी? लड़कियों मुझे लगता है कि ये बदल गए हैं। क्या क्या सिर्फ एक क्लास में? हमने तो सुन लिया। लड़कियों चलो घर चलते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स को हील काफी पसंद है। जाओ यहाँ से। सुनो लड़कियों, ये हील्स निकालो जल्दी। तुम लोग छोटी लड़कियां नहीं हो, तुम 10th क्लास में हो। हम तुमसे प्यार करते हैं। दोस्तों लाइक करें चैनल को, सच में नए शानदार सीरीज का इंतजार करें। तब तक के लिए आप सभी को बाय 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 बाय। हाँ ठीक है ठीक है। लड़कियों सुनो, मैंने तुम्हें जो कहा वो तुम्हें याद है ना कि सॉरी स्माइल, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहा आज? उन्होंने मुझे ओ नहीं, फिर से ठीक है। स्माइल तुम्हें पता है क्या? ओ नो,